हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट में मिलने वाली व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ आसान सी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी मैं, जिससे कि आप ये आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। उसमें डाला है 1 चम्मच बटर, साथ ही डालेंगे 2 चम्मच मैदा। इसे बढ़िया से लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। तो इसे लगातार चलाते रहना है, वरना ये नीचे से जल सकती है। तो इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। फिर जब ये बढ़िया से भून जाएगी तो इसमें से एक सौंधी सी खुशबू आएगी। तो जब खुशबू आने लगे, बस हमें उतना ही मैदे को भूनना है। तो आप देख सकते हैं, मैदा बढ़िया से भून चुका है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो बस यहीं पे हम गैस को बिल्कुल लो रखना है। इस चीज़ का मैं फिर से आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 कप दूध लिया है, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। दूध डालने के बाद लगातार हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो आप विस्कर से या स्पैचुला, जिससे भी आप मिलाना चाहें, इसे लगातार चलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके और दूध डालेंगे। तो जैसे जैसे मैदा पकते जाती है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी होने लगती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। बिना रुके हुए चलाना है। इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, नहीं तो इसमें बड़े बड़े लम्स बनने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं, चलाते चलाते इसमें जो छोटी छोटी गुठलियाँ आपको दिख रही होंगी, वो इनमें घुलने लगी है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 2 कप दूध का अभी इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही इसमें मैंने डाली है चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो, साथ ही इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चीज, कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और इन सबको बढ़िया से हम मिलाते हुए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स। अगर आपकी सॉस ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे हम लगातार चलाते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये लीजिए, ये हमारा क्रीमी सा व्हाइट सॉस का सॉस एकदम से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब वापस से सॉस को हम निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और एक कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें डालेंगे बटर। यहाँ पे मैं बटर डालने में कंजूसी ना करें फ्रेंड्स, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें मैंने डाला है खूब सारा लहसुन। लहसुन को छीलने के बाद बारीक चॉप करके लिया है, इसे भी हम भून लेंगे। तो बटर में जैसे लहसुन भूनती जाती है, गोल्डन कलर आती रहती है, वैसे इसमें से बहुत बढ़िया सी खुशबू आती है। तो लहसुन के फ्राई होने के बाद इसमें मैंने कुछ सब्जियों को पहले से चॉप करके रखा था, जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च और यहाँ पे रेड वाली शिमला मिर्च। अगर रेड वाली शिमला मिर्च ना हो तो आप टमाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर के बीज को निकाल दें और उसको काट करके लें। यहाँ पे आप अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी ऑरिगेनो, काली मिर्च और मिक्स कर लेंगे इसे बढ़िया से चलाते हुए। फ्रेंड्स, सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, इन्हें हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। उसके बाद इसमें मैंने डाला है बॉयल किया हुआ पास्ता। पास्ता को मैंने पहले ही से बॉयल करके रखा हुआ था फ्रेंड्स, और इसको भी अब हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे साथ में, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आप ज़रूर से फ्राई करें। 1 से 2 मिनट के लिए हम पास्ता को भी भून लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो ये हमने व्हाइट सॉस बना के रखा है, उसको इसमें डाल लेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सॉस ज़्यादा थिक है, तो जो जिस बर्तन में हमने सॉस को रखा है उसमें थोड़ा सा दूध डाल के बढ़िया से उसे मिक्स करके इसमें डाल लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है चीज़। आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ या जो भी आपको पसंद हो, कोई भी चीज़ डालें। और चीज़ भी आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद इसे हम बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। साथ में अब हमने यहाँ पे डाला है थोड़ी सी ऑरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च,
काली मिर्च भी ऊपर से थोड़ा सा और डाल सकते हो फ्रेंड्स, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो से स्प्रिंकल कर दिया ताकि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगे। तो है ना ये एकदम से आसान रेसिपी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।